सो हेलो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जसपुर पे। अभी यहाँ पर से आपको दिखाऊंगा, भाई लोग साथ में हम लोग जा रहे हैं, एक भाई की शादी अटेंड करने। अभी हम हरिद्वार जाएंगे, फिर उसके बाद भाई जाएगा शायद अपने नानी के वहाँ, उसने वहाँ भी जाना है, जमुना नगर जाएगा। तो अभी हम खड़े हैं हाईवे पे, ये हमारी स्प्लेंडर खड़ी है और ये है भाई की स्प्लेंडर, और यहाँ से हम ब्लॉगिंग बना रहे हैं। अभी आपको आगे का सिनेमैटिक थोड़ा सा देता हूँ यहाँ का, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं आपसे कहीं पर। तब तक आप बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में। और फाइनली क्या अभी पहुँचे हैं अफजलगढ़, पहुँचने वाले हैं, मतलब पहुँचे नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं और ब्रेक लिया है, काफ़ी गाड़ी खींचते हुए ला रहे हैं, 80-85 से आस पास में गाड़ी खींच रही है यहाँ पर। और अभी काफ़ी चलना है, अभी आप जाएंगे तो धामपुर के आसपास हम रुकेंगे, नगीना के आसपास, तुलाराम जी के वहाँ के क्या कहते हैं रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, तो वहाँ के खाएंगे, फिर आपको मिलते हैं आगे। गाइस ये हमारे आ चुके हैं समोसे, और भाई दो समोसे रायता और हम समोसे खाएंगे, चाय आ रही है और हम बैठे हैं तुलाराम रेस्टोरेंट पे, हमने हमारा भाई है। अभी हम पहुंच चुके हैं नगीना, अभी हम खा रहे हैं समोसे, आपको मैं दिखाया, आप देखेंगे समोसे खा रहे हैं भाई। अभी हम बैठे हैं नगीना में तुलाराम जी के वहाँ पर, यहाँ पर हम करते हैं समोसे वगैरह नाश्ता टाइप का, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे के लिए, फिर रुकेंगे सीधे हरिद्वार के आसपास, मिलते हैं आपसे आगे। तब हम सब बने रहो भाई, समोसे खा लो। ये है हमारे समोसे, आओ गाइस खा लो, आप भी खा लो, हम तो खा रहे हैं तो आप भी खा लो। चलते हैं तुलाराम जी के रेस्टोरेंट, मतलब खाना नाश्ता वगैरह जो हमने चाय की रसगुल्ले खाने थे वो हमने खा लिया है। अभी हम गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं आगे को, क्या कह रहा, मिलते हैं आपसे आगे। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे हैं नजीबाबाद से आगे को, ये हरिद्वार से यहाँ से मतलब ऐसे ही रह गया, 40 किलोमीटर के आसपास रह गया, सबसे शॉर्ट वाले रास्ते आ रहे हैं, जैसे पुराना रास्ता है हरिद्वार का, उस रास्ते में हम चल रहे हैं इस समय पर। और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, भाई भी है क्योंकि लोग खड़ा है, गाड़ियाँ आराम चला चला के डूब गए हैं भाई साहब, सुबह से बैठे बैठे डूब गए हैं, दुखन हो गई भाई, कह रहा मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, अब मैं चलाऊँगा गाड़ी। अब देखो जो भी होता है, भाई चलाएगा, जो भी चलाएगा, बढ़िया मज़ा आ रहा है, ट्रैवलर हो रहा है। हरिद्वार पहुँचने के बाद थोड़ी देर हरिद्वार में आराम करेंगे, फिर उसके बाद हरिद्वार से आगे को जाना है, तो आपको दिखाते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ और सामने का व्यू चेक करो एक बार यार। हाय सच्ची कुड़े दसा तेरे नखरे दा तोड़ दी आशिक बनाया सानू लाई कादी लोर बुलियां ते हसा तेरा कुड़े मार जांदा है नी सानू दस जांदा गल लंबी चलू होर ओ गब्बरू। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी का, यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पर अभी हम थोड़ा स्नान तो नहीं करेंगे क्योंकि जाना भी है, लेट हो रही है, तो यहाँ पर हम मतलब थोड़ा सा छिड़काव हल्का सा गंगा जल का करके और यहाँ पर चलेंगे। अभी भी रुके हुए हैं यहाँ पर, आपको मैं गंगा जी का व्यू दिखा दूँगा, कितना प्यारा व्यू यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर कितना शांति है, यहाँ पर गंगा जी बह रही है। और काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ पर, और गाइस अगर आप ब्लॉग में बने हुए हैं तो ब्लॉग अगर देख रहे हैं तो ब्लॉग में हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे अच्छे ब्लॉग के लिए आपको मिलते रहेंगे मेरे से, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग, तो मिलते हैं आपसे आगे। गंगा जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, हर हर गंगे जरूर लिखिएगा कमेंट में, जय गंगे मैया की जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की जय। हमने नहाया तो नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा छिड़काव कर लिया है हमने गंगा मैया का, और यहाँ से अभी चलते हैं, आते टाइम यहाँ पर रुकेंगे, स्नान भी करेंगे, स्नेश करेंगे, वो आपको उसमें पूरा ब्लॉग में दिखाएंगे तो हम स्नान करेंगे, हर हर गंगे जरूर लिखिएगा कमेंट में, और चैनल को अगर ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा भी करो, सपोर्ट करो, आपको इससे अच्छे अच्छे और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, और हर हर गंगे मिलते हैं नए अभी आगे।
ਕੀ ਸੱਚੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਸੰਗ ਦੀਤ हम आए हुए थे हरियाणा में जमुना नगर भाई के साथ में, देखिए भाई के नैनिहाल है यहाँ पर, उनके वहाँ आए हुए थे नैनिहाल में। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, बाइक में चला रहा है भाई, पीछे बैठा हूँ, हेलमेट डालता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ आके। हेलमेट डालना बहुत जरूरी है। तो गाइस स्वागत है आपका अभी नए एपिसोड में, मतलब कल का ही व्लॉग हम अभी शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि कल एंड नहीं कर पाया था, काफ़ी रात हो गई थी जब हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि निखिल भाई के हम नानी के वहाँ भी गए थे यमुनानगर। यमुनानगर से आने में हमें काफ़ी लेट हो गई थी, रात को 2 या 3 बार हम रुके भी बारिश के कारण, बारिश होने के साथ रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हम अंदर चले गए क्योंकि कुछ गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पर एकदम से फोन निकाल के कैमरे से शूट करना वो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने अभी कल व्लॉग एंड नहीं करा, आज व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अभी मौसम देखिए आप, वेदर कितना प्यारा हो रहा है, वेदर आप चेक करो, धूप नहीं है, बिल्कुल छाव है, बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, बारिश होगी नहीं होगी मौसम को। तो निखिल भाई हमारे वहाँ हैं, वो भी अपना रील के लिए गाना चॉइस कर रहे हैं, शूट करेंगे रील, और राजेश भाई हमारे वो बैठे हुए हैं, आप देखिए राजेश भाई को। तो तब मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक ले चिल्ड्रेन बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।